Hello everyone, this is Ashijan. This is a continuation video on correlation analysis. In the last video lecture, we have done some basics like why do we do correlation analysis, what is the meaning of correlation analysis, what are the objective of correlation analysis. Okay, so we have done all the basics and we have covered the first 10 questions. Now let's do question number 11. That is, in this question we need to find out the correlation when we have the continuous series. Okay, so first read the question carefully. The following table gives the frequency according to the group's marks obtained by the 67 students in an intelligence test. Measure the degree of relationship between the age and the intelligence. तो देखिए आप समझ गए होंगे रिलेशन क्या डिफरेंट है, दैट इज कोरिलेशन आपको निकालना है बिटवीन द एज एंड द इंटेलिजेंस टेस्ट, राइट? एंड दिस वी हैव द डेटा, ठीक है? सो वेन एवर यू हैव लाइक डेटा इन दिस काइंड ऑफ फॉर्म, यू नीड टू प्रिपेयर अ चार्ट, दैट मीन्स आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो मैंने देखिए छोटा सा आपका एक फॉर्मेट बनाया. पहले आप फॉर्मेट समझिए, मैंने फॉर्मेट बनाया क्या है. देखिए फॉर्म आपका जो फॉर्मेट है, मैंने देखिए लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी ये वाई एक्सिस है जो आपको कंटिन्यू सीरीज गिवन है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 200 टू 250, देन 250 टू 300 एंड द लास्ट वन इज 350 टू 400, राइट? ये आपका वाई सीरीज है. एंड एक्स सीरीज आपको जो है डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, दैट इज 18, 19, 20 एंड 21, राइट? अब देखिए हमें, अगर आप देखिए अगर आप फॉर्मूला अगर लगाओगे, ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा आपका. इन द केस ऑफ अगर आप कोरिलेशन निकाल रहे हो, दैट मीन्स इन द केस ऑफ दिस काइंड बीटा, सो देखिए क्या होगा, आर इक्वल टू एन एफ डी एक्स एफ डी वाई माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ एफ डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन एफ डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, देन अगेन अंडर रूट एन एफ डी वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी वाई का होल स्क्वायर, राइट? सो ये हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो देखिए हमें निकालना है क्या क्या, देखिए एफ डी एक्स एफ डी वाई कैसे निकालना है वो हम इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, राइट? सो देखिए हम पहले यहाँ पर सबसे पहले हम डी एक्स एंड डी वाई निकालेंगे. कैसे निकालना है, पहले हम वाई सीरीज देख लेते हैं. ये आपको कंटिन्यूस डाटा गिवन है, तो इसके लिए हम देखिए जब डेविएशन निकालते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड निकाल रहे हैं, अज्यूम मेथड, तो हमें जब अज्यूम करते हैं कहाँ से निकालते हैं, मीन्स फ्रॉम दी मिड वैल्यू, तो हम यहाँ पर एम डिफाइन कर देंगे एम, ठीक है? तो मान लीजिए हमने एम ले लिया, दैट इज सपोज 275. अगर हम मिडिल वैल्यू देखो क्या क्या होगी, देखिए सॉरी अगर आप मिडिल वाली देखें तो मिडिल क्या क्या देखिए 225, 275, 325, 375, ठीक है? आपका ये आएगा. अब डी वाई आपको निकालना कैसे है, देखिए हम डी वाई अगर अगर आपको याद हो, हम देखिए डी वाई कैसे निकालते थे, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय जो आपकी क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता था उसे हम डिवाइड करते थे, तो यहाँ पर क्या होगा आपको 50, राइट? सो अगर हम मान लीजिए, मैं आपको अभी मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने जूम करा आपको, जैसे 275 ये मैंने जूम करा, ठीक है? सो देखिए इसके लिए आपको फिर आपका देखिए डेटा क्या बनेगा, डी वाई कैसे बनेगा, देखा आपका डी वाई आपका आएगा, दैट इज माइनस वन जीरो वन एंड टू, ये आएगा. अब ऐसे ही आपको देखिए डी एक्स निकालना है, मीन्स कोई भी एज्यूम कर लो, मान लीजिए मैंने एज्यूम करा सपोज 19, ठीक है? तो देखिए आपका फिर ये डी डी एक्स क्या बन गया, दैट इज माइनस वन जीरो वन एंड टू, ये आपके डी एक्स एंड डी वाई आ गए, राइट? अब आप क्या करना है, आप क्वेश्चन नंबर के ध्यान से देखो, आपको सारी फिगर्स जो है वो कॉपी करनी है. देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 4321, 4564, 2486, 125, 10, ये आपको कॉपी करना है, ठीक है? तो देखिए मैं आपको बस कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं और कुछ नहीं कर रहा, अभी आप ध्यान से देखना आपको 4321, 4567,
6 4 2 4 8 6 1 2 5 and 10, right? And then last आप इन सबका टोटल लिख दो. 4 3 2 1 दैट इज 10. 4 5 9 प्लस 6 15 प्लस 4 दैट इज 19. 2 प्लस 4 6 प्लस 14 दैट इज 20. देन 3 प्लस 8 दैट इज 18. ठीक है, यहाँ पर डेटा हो गया. अब इसको भी टोटल कर लो. देखो यहाँ पर, यहाँ पर हम इसे पर टोटल करें, टोटल का टोटल करेंगे तो वो बनेगा आपका दैट इज 67, राइट. अब यहाँ पर भी टोटल करें, देखिए यहाँ पर दैट मीन्स आपको देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों साइड दिखना है. टोटल देखिए आपको, 4 4 8 प्लस 3 दैट इज 11. 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 आपका हो गया अगेन ये आपका 14. एंड देन 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 16 प्लस 5 दैट इज 21. 4 1 प्लस 4 5 प्लस 11 दैट इज अगेन 21. यहाँ पर टोटल मैच हो जाना चाहिए दैट इज 67. और आप देखिए 67, देखिए वही गिवन था आपको 67 स्टूडेंट्स. ठीक है, तो टोटल आपका मैच हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, अब आगे देखिए आपको ध्यान से करना क्या है. देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर आपको ऐसे बॉक्स बनाना होगा. कैसे करना देखिए मैं आपको बताता हूँ. अब देखिए इनसे मैं आपको फिगर फिगर जो है फिलअप करनी है. कैसे करना है ध्यान से देखिए. देखिए -1 -1 को मल्टीप्लाई करूँ दैट इज 1. जो आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ दैट इज 4, राइट. देन 0 -1 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0. देन 1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज -2. देन 2 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज अगेन -2, राइट. अब ऐसे आपको सब फिगर करनी है. देखिए यहाँ पर तो 0 है तो ये सब में 0 आ जाएगा आपका. ऐसे यहाँ पर भी 0 आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट का देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज -1 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज -2. 0 हो गया तो देन ये आ जाएगा आपका दैट इज 8 एंड देन 12 देन -2 0 10 एंड 40, राइट. बस इन सबका आपको टोटल करना है. किससे करना है देखिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड से, राइट. तो देखिए किस तरह करना है आपको. देखिए 4 प्लस 0 4 -2 -2, ठीक है. अच्छा सॉरी, पहले आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए, पहले क्या करना है देखो, इस 10 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस -1 से. क्या आएगा देखिए, -10 19 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 20, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 36. ठीक है, ये क्या होगा एफ डी एक्स. अब डी एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, अगेन इसी को फिर से मल्टीप्लाई करना है. सो क्या जाएगा 10 0 20 एंड 72. देन एफ डी एक्स डी वाई कैसे निकालना है आपको, क्या करना है इन सब का टोटल करना है जो अंदर हमने बॉक्स में लिखे हैं, और एफ डी एक्स डी वाई को इन सब का टोटल करना है. ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, ये क्या जाएगा 0, ये भी 0, देन 6 दैट इज 18 एंड दिस वुड बी 50 -2 दैट इज 48, राइट. बस अब आपको ये निकालना है. अब हॉरिजॉन्टल वाइज भी देखिए एफ डी एक्स कैसे निकालना है, समेशन ऑफ आपको जितनी भी है, मतलब क्या करना है आपको, जो 11 है इसको मल्टीप्लाई करो किससे, -1 से. तो क्या आएगा आपका देखिए, -11 देन 0 देन 21 एंड देन 42,
देन अगेन करो 11, 0, 21 एंड 84, राइट। एंड एफ डी डिवाइस के लिए करना है आपको, अब ऐसे इन सबको बॉक्स में जो गिवन है वो उनको ऐड करना है। ये कह जाएगा 0, 0, 16 एंड 15, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल करना, देखिए एफ डी एक्स डी वाई का टोटल करोगे आपका 66 आएगा एंड इसका भी टोटल आपका 66 आएगा, ठीक है। तो इन सब को टोटल करने देखिए, एफ डी एक्स का टोटल आपका देखिए सबका मैच होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। इन सबका आपका जो टोटल जो वो आपका मैच होना चाहिए। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पर शायद मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ये एफ डी वाई आएगा, सॉरी ये यहाँ पर देखिए ये एफ डी वाई आएगा, एफ डी वाई स्क्वायर होगा ये, ठीक है। टोटल कर देते हैं सबका, देखिए इसका टोटल आपका आएगा 46, 102, 52 एंड 116, ठीक है। बस सारी वैल्यूज आपको क्या की सारी वैल्यूज को फॉर्म में पुटअप करना है और कुछ नहीं करना है, राइट। सो बस लेट्स पुट अप ऑल दी वैल्यूज इन फॉर्मूला एंड दैट इज 67 मल्टीप्लाई बाय 66 माइनस यहाँ पर एफ नहीं आएगा, अब ये देखिए यहाँ पर माइनस सिग्मा ऑफ एफ डी एक्स दैट इज 46 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ एफ डी वाई 52 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 67 एफ डी एक्स स्क्वायर 102 माइनस 46 का होल स्क्वायर 67 मल्टीप्लाई बाय 116 माइनस 52 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। एंड द फाइनल आंसर विल बी 0.41, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग टू फाइंड आउट द कोरिलेशन एनालिसिस इन केस वी हैव दिस काइंड ऑफ डेटा, ऑलराइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11, सेम आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज फॉर होमवर्क, राइट। नाउ लेट्स डू वन मोर टॉपिक, बिकॉज देखिए हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, हमने इसके मेनली तीन इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। फर्स्ट क्या था, दैट इज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। तो वो हमने पढ़ लिया कि कैसे आइडेंटिफाई करना आपको। नाउ द टेस्ट क्या है, नाउ द सेकेंड इज दैट इज टेस्टिंग वेदर इट इज सिग्निफिकेंट और नॉट। That means once you find out the correlation between the variables, you need to test करना होगा whether this relationship is significant or not, right? So for this we have one test that is called probable error. Heading लिखेंगे यहाँ पर probable error. देखिए for the calc, once we calculate the coefficient. We always need to find out to which extent it is dependable. That means how one variable is dependent on other. And for this purpose, the probable error of coefficient of correlation is to be calculated. Now, how to calculate this probable error? For this, we have another formula, that is probable error 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एम। वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला टू टेस्ट द कोरिलेशन, दैट मीन्स वेदर द कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, राइट। बट फॉर दिस वी नीड टू स्टडी सम एजम्पशंस।
assumption currency, that means the data must be approx normally distributed. The data must be approx normally distributed. सिंस देखिए यहाँ पर जो भी डेटा हो वो ऑब्वियसली एग्जैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वेन वी हैव लार्ज नंबर ऑफ डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम किसके क्लोज आ सकते हैं, बट वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता, राइट? तो ये तो होगी फर्स्ट. देन सेकेंड वन इज, अब हमें टेस्ट करना है कि वेदर द कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट. तो उसके लिए क्या हुआ है, दैट मीन्स इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द आर इज मोर देन 6 टाइम्स, देन द प्रोबेबल एरर द वैल्यू ऑफ आर इज सिग्निफिकेंट. दैट मीन्स वेन वी फाइंड आउट the significant, we need to see whether the probable error is 6 times or not, 6 times from coefficient of correlation, right? And then we need to find out the range. That means to obtain the range within which the population of coefficient of correlation is expected to lie, right? So we have some points checking when we do some practice questions, right? So let's start the practice question for this. Question number 13. A student calculates the value of R. R is, that is coefficient of correlation, that is 0.7, when the value of N is 5, and concludes that R is highly significant. Is he correct? So हमें R given है and value of N given है, बस हमें conclude करना है whether this value are significant or not. Right? So question number 13. फॉर्मूला देखिए सेम यही फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, बस हमें वैल्यूज पुट अप करनी है, ठीक है? सो कैसे हमें देखिए, हमें निकालना है पी प्रोबेबल एरर 0.6745 इन ब्रैकेट 1 माइनस, देखिए आर की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज 0.7 एंड एन ने गिवन आपको 5, तो 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन कितना गिवन आपको 5, ये सॉल्व करना आपको. And once you solve this, you will get 0.1538, right? अब हमें चेक करना है कि whether the correlation value is significant or not. तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको डिवाइड करना है. क्या करना है आपको, डिवाइड करना है R divided by probable error से डिवाइड करना. सो देखिए 0.7 आपको गिवन था, डिवाइड बाय 0.1538 एंड दिस वैल्यू वुड बी 4.55. Since this value is less than 6, so we can say that this R is not significant. तो अब लास्ट में क्या कंक्लूड करोगे, R is not significant. अभी मैंने बताया था ना that if the numerical value of the R is more than 6, then we can say that R is significant. More than 6 होना चाहिए. Right, then move on to next question number 14. A student calculates the value of R is 0.7 when the number of atoms is 25. Find the limits within which the R lies for another sample from the same universe. हमें range भी निकालनी है इसमें, ठीक है? So पहले वही same formula apply करेंगे. R given है आपको, that is 0.7. And n is given, that is 25, right? So बस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टेस्ट पी प्रोबेबल एरर 0.6745 इन ब्रैकेट 1 माइनस आर गिवन आपको 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इन अंडर रूट, राइट? एंड बाय कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट 0.0687, राइट? अब हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालनी है द लिमिट रेंज. लिमिट रेंज निकालनी है, दैट मींस ये वैल्यू कहाँ से मैक्सिमम कितनी जा सकती है एंड लोएस्ट कितनी जा सकती है. सो फॉर दिस हम क्या करेंगे, देखिए इसकी कोरिलेशन कितने हैं 0.7, ठीक है? एक बार इसकी वैल्यू को हम प्रोबेबल एरर से हम ऐड करेंगे और एक बार इसी को हम माइनस कर देंगे. बिकॉज हमें देखो रेंज का मतलब क्या है, दैट मीन्स द रेंज विद इन विच द पॉपुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज एक्सपेक्टेड. पॉपुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो हम तो उसी के बीच में डिफरेंस देखेंगे, राइट? सो द वैल्यू वुड बी 0.7687 एंड 0.6313. दैट मीन्स
मैक्सिमम इतना जा सकता है एंड मिनिमम इतना जा सकता है, राइट? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 14। 15 देखिए, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 एंड 100, आर की वैल्यू गिवन है 0.4.4 एंड आर की वैल्यू एक और गिवन दैट इज 0.9.9। सो हमें बस आपको क्या करना है, आपको आर डिवाइड बाई पी ई आर करना है वो। तो आपको इससे कंपेयर कैसे करना है, आपको 6 चाहिए। दैट मीन्स इफ द वैल्यू इज लेस देन 6 वी कैन से दैट इज नॉट सिग्निफिकेंस, मोर देन 6 वी कैन से सिग्निफिकेंट। अच्छा इसमें भी कैसे, मान लीजिए मान लीजिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सो वी कैन से हाईली सिग्निफिकेंट और वी कैन से हाईली नॉट सिग्निफिकेंट, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द एज एंड प्लेइंग हैबिट्स ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स। एज गिवन आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड वी हैव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेगुलर प्लेयर्स। दो वैकेंसी गिवन आपको। ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर एंड पॉइंट आउट टू वेदर द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। तो ईजी, आपको आपको क्या करना है, दो वेरिएबल गिवन आपको, आपको निकालना है पहले स्मॉल आर, बिकॉज देखिए अब तक ऊपर जितने क्वेश्चन किए हमें आर गिवन था, अब हमें आर निकालना है, प्रोबेबल एरर आपको पता निकालना कैसा था, एंड देन लास्ट यू टू टेस्ट वेदर दिस कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, दैट्स इट, राइट? सो दिस क्वेश्चन नंबर 17 इज फॉर होमवर्क। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 के लिए क्लास वी नीड टू स्टडी वन मोर टॉपिक दैट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। बट बिफोर वी गो हेड विद द रैंक कोरिलेशन वी नीड टू स्टडी अनदर टॉपिक दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर द फर्दर स्टडीज वेन यू गो फॉर MBA। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है इस टॉपिक को। चलिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। सी प्राइस एंड सप्लाई बोथ ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। मान लीजिए सपोज वी हैव, मैं एग्जाम्पल दूँ, सपोज लाइक देर इज अ कोरिलेशन एंड सपोज आर इज गिवन सपोज 0.8, 0.8 आपको कोरिलेशन गिवन है, राइट? अब आपको निकालना है, हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन निकालते कैसे हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दैट मीन्स जो आपका कोरिलेशन है उसको आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे आपके वैल्यू कितनी, दैट इज 0.64। नाउ वी नीड टू इंटरप्रेट दिस वैल्यू, दैट मीन्स वट दिस वैल्यू से इसको इंटरप्रेट कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। आपको स्टूडेंट लिखनी है 64% ऑफ द वेरिएशन इन सप्लाई, इन सप्लाई इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दिस इज द वे टू इंटरप्रेट दिस वैल्यू। कोऑपरेशन डिटरमिनेशन ये बताता है, दैट मीन्स कि कितना परसेंटेज जो है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है? इसको आप दूसरे मेथड से भी ले सकते हो, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। जैसे देखिए आप इससे भी देखते हो सिक्सटी फोर परसेंट ऑफ द वेरिएशन इन सप्लाई हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय वेरिएशन इन प्राइस। राइट,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर इफ यू नीड टू फाइंड आउट द अनएक्सप्लेन वेरिएबल, अनएक्सप्लेन्ड, तो वो कितने होंगे, 1 माइनस आर स्क्वायर, सो दैट मीन्स 1 माइनस 0.64, दैट इज इक्वल टू 0.36। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको सुना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज वन प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग बाय 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 रिड्यूसिंग दी सप्लाई, मीन्स अगर मान लीजिए सप्लाई बहुत कम होगी मार्केट में, मार्केट में सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसके वजह से क्या होगा, मार्केट में जो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, सो हम कैलकुलेट करें, दैट मीन्स द प्राइस आर इंक्रीजिंग ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस, राइट। सो यहाँ पर है क्या मतलब, यहाँ पर देखिए होता क्या है कि हम कह सकते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर चेंज हो रहा है, क्यों, बिकॉज हम एक ही फैक्टर है, दैट इज सप्लाई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि प्राइस में जो वेरिएशन आ रहा है, क्या वो सप्लाई की वजह से आ रहा है या कि ओवरऑल वेरिएबल है। तो हमें पता चला कि प्राइस में जो चेंजेस आ रहे हैं वो सप्लाई की वजह से तो हो रहा है, और वो कितना परसेंट हो रहा है, दैट इज 64%। दैट मीन्स 36% और भी हैं जो अभी अनएक्सप्लेन्ड है, हमें पता नहीं है, बट वो भी फर्दर हमारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज स्टूडेंट कैन गुड मार्क्स इन द एग्जाम बाय सम फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, सपोज ही गोट गोट अ गुड टीचर, और कैन से जो स्टूडेंट है उसने अच्छे से पढ़ाई करी है बाय प्रॉपर टाइम टेबल्स के साथ बनाई है, या जो भी कैसे उसने अच्छे से पढ़ाई करी है, ट्यूशन लगाई है, ठीक है, या घर में जो इन्वायरमेंट है। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं सिर्फ एक एक एग्जाम्पल लूँ कि अगर स्टूडेंट अच्छा पढ़ेगा तो वो गुड स्कोर करेगा एग्जाम में, तो एक फैक्टर है, मान लीजिए उसका जो फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए मैं कहता हूँ मान लीजिए 70% है, बट वो 30% और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, अनएक्सप्लेन। ठीक है, ऑल दो फैक्टर जो कोई भी होते हैं, मान लीजिए घर का इन्वायरमेंट, पढ़ाई का है, अच्छा वो पढ़ रहा है, ठीक है, उसका या उसका मान लीजिए कोई गोल है, भाई आगे मुझे ये सब करना है, तो वो अच्छे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर गुड बैलेंस में आ रहा है, डिसिप्लिन में कर रहा है, प्रॉपर क्लास अटेंड में कर रहा है। सो इट मीन देर आर मैनी मैनी फैक्टर्स, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही फैक्टर लिया, दैट इज प्राइस आर चेंजिंग ड्यू टू दी ओनली वन फैक्टर, दैट इज सप्लाई, और भी अदर्स होते हैं बट दे आर अनएक्सप्लेन्ड, राइट। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। नाउ लेट्स ऑन मूव ऑन अदर टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। देखिए हमने कल पढ़ा था, दैट इज दी वी नीड टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय वेरियस मेथड्स। फर्स्ट वन इज दैट इज ग्राफिकल मेथड, एंड विद दिस टॉपिक दिस मेथड विल डिस्कस इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। सेकेंड वन इज दैट वी हैव जस्ट कंपेयर, दैट इज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एंड नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट मेथड, दैट इज रैंक कोरिलेशन। दिस इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत ईजी है ये, बस जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन द फॉर्मूलाज, दैट्स इट। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दैट इज रैंक कोरिलेशन। देखिए रैंक कोरिलेशन होता क्या है, हमें इस पे आता है कि दैट मीन्स इस मेथड की जरूरत क्या है। वैसे देखिए दी मोस्ट पॉपुलर मेथड दैट इज कार्ल पियर्सन, बट देर आर सम फैक्टर्स, और कैन से देर आर सम लाइक कैन से सिचुएशन सर्कमस्टांसेस दैट वी नीड टू अप्लाई दिस मेथड ओनली। बट ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं, व्हेन वी हैव डेटा, लाइक द डेटा इज गिवन नॉट इन द क्वांटिटी फॉर्म बट इन द क्वालिटी फॉर्म, लाइक वी हैव गिवन सम करेक्टरिस्टिक्स, लाइक वी नीड टू मेजर द ब्यूटी, लीडरशिप, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, एबिलिटी एंड सो ऑन, एंड दीज ऑल कांट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। सो फॉर दिस वी नीड टू अप्लाई द रैंक कोरिलेशन बाय इंडिकेटिंग द रैंक इन दिस सीरीज। ओके, सो हम रैंक कोरिलेशन का अप्लाई करते हैं व्हेन वी हैव डेटा इन द क्वालिटी फॉर्म नॉट इन क्वांटिटी फॉर्म, दैट्स वाई वी नीड टू अडॉप्ट दिस मच काइंड ऑफ method, that is rank correlation. So again we need to apply some formula. So formula kya hai, easy hai, r that is equal to 1 minus 6 sigma d square divided by n cube minus, isko aap is tarah bhi le sakte ho,
चलो एन क्यूब माइनस एन, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला आपको बस याद करना है, दैट्स इट। चलिए इसको करते हैं विद दिस सम एक छोटा सा मैं आपको अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको इसको थोड़ा समझ आ जाए। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, सपोज वी हैव टू सीरीज दैट इज आर वन एंड आर टू, ठीक है, एंड हमने इनको रैंक दी हुई है। आर वन मान लीजिए रैंक दी है 1 2 3, सेकेंड में दी हुई मान लीजिए सपोज 3 2 1, ठीक है, कैसे करना है। अब देखिए फॉर्मूला क्या आपका, देखिए 1 - 6d² d के यहाँ पर दैट इज डिफरेंस बिटवीन द रैंक सीरीज। तो पहले आपको करना है दैट इज हमें निकालना है d, d कैसे निकालना होगा, देखिए r1 - r2 और फिर इसको हम d² कर देंगे, दैट्स इट। सो r - r2 कितना हो जाएगा, दैट इज देखिए -2 0 2 4 0 4, टोटल इज 16। जस्ट अब सारी वैल्यूज को फिल कर पुट अप कर दो, सो 1 - 6 × 6 8 आएगा, नॉट 16, मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय एन क्यूब कितने हैं, देखिए यहाँ पर दैट इज 3 है, सो एन क्यूब सॉरी आई थिंक ये सॉरी 27 - 3 राइट। सो दिस वुड बी, ये तो आपको 0 आ गया, 24/24 दैट इज इक्वल टू 0, मीन्स कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। बस आपको इसी तरह से आपको जो रैंक निकालनी है, राइट, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है दैट इज 1 - 6 σ d² डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, दैट्स इट, ठीक है। नाउ इन दिस केस ऑल्सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ केसेस, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट व्हेन रैंक्स आर गिवन, गिवन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बी व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, गिवन नहीं है तो फिर किस तरह करेंगे। देन सी व्हेन रैंक्स आर इक्वल, मान लीजिए रैंक ही इक्वल आ गई तो फिर क्या करेंगे। सो तीनों ही केस में हम जो प्रॉब्लम बढ़ेंगे कि हम रैंक और कोरिलेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट केस कर लेते हैं, दैट मीन्स व्हेन रैंक्स आर गिवन, ठीक है, फर्स्ट हम कर रहे हैं व्हेन रैंक्स आर गिवन। फॉर दिस लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। सेवन मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग बिजनेस एजुकेशन आर रैंक्ड बाय द एमबीए स्टूडेंट्स ऑफ टू यूनिवर्सिटीज एज फॉलोज, दीज आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग, दैट मीन्स सेवन मेथड्स ऑफ टीचिंग आर देयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टीचिंग मेथड द स्टूडेंट्स आर रैंक्ड बाय टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी ऑफ ए एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बी, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ बी आएगा। तो रैंक है तो रैंक गिवन है, वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विद द हेल्प ऑफ रैंक कोरिलेशन। सो पहले तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दैट इज 18, आर वन देखिए कितना गिवन है एंड आर टू कितना गिवन है वो देखेंगे। आर वन देखिए स्टार्ट करें, देखिए 2 1 5 3 4 7 6, 1
3, 2, 4, 7, 5, and 6. Now we will find out the d square. So the difference between these, and then make a square. 1, 4, 9, 1, 9, 4, and 0. राइट तो बस टोटल करेंगे अब हम इन सबका, एंड द टोटल वुड बी 28. टोटल इज 28. बस फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन. सो 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय कितने स्टूडेंट, दैट इज 7 मेथड से. ठीक है, तो 7 का क्यूब माइनस 7 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0.5. दैट्स इट, इजी है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. कैलकुलेट स्पीयरमैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. अगेन आपका फॉर्मूला गिवन है, बट यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर रैंक गिवन नहीं है. रैंक गिवन है, दैट मीन्स आप कौन सा किस आगे देखिए, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन. तो पहले आपको हेडिंग लिखो, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन. गिवन नहीं होगी तो किस तरह सॉल्व करूँ. देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 19 का ध्यान से देखो, सो हमें सिर्फ वैल्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंसीज में हमें रैंक गिवन नहीं है. सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू असाइन द रैंक. ठीक है, तो रैंक में क्या कैसे कैसे करेंगे आप, जो वैल्यू वैल्यू कम है उसको रैंक वन, ठीक है, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसको ज़्यादा रैंक. मीन्स आप एक फॉर्मूला अप्लाई करो भाई, या तो जो मैक्सिमम वैल्यू उसको आप रैंक दे दो, या जिसकी कम वैल्यू उसको रैंक वन दे दो, कैसे भी कर लो, बट एक एक ही मेथड आपको दोनों ही सीरीज में अप्लाई करना है. राइट, चलो मैं एग्जांपल ले, सपोज कि जो वैल्यू कम है उसको मैं रैंक वन दे रहा हूँ, एंड जैसे ही वैल्यू बढ़ती जाएगी उसको मैं रैंक भी बढ़ाता जाऊंगा. राइट, सो पहले हम देख लेते हैं एक्स और वाई. दिस इज क्वेश्चन नंबर 19. आपको एक्स सीरीज गिवन है एंड वाई सीरीज गिवन है. एक्स के लिए हम लेंगे आर वन, वाई के लिए लेंगे हम आर टू. तो पहले हम एक्स की वैल्यू देखें क्या क्या गिवन है. 53, 98, 95, 81, 75, 61, 59, 55. राइट, अब देखिए इसको हमें रैंक्स अलॉट करनी है, कैसे करनी है. देखिए सबसे कम वैल्यू इसको हमें रैंक वन देनी है. ठीक है, वैल्यू कम देखिए कितनी है, 53, इसके बाद है 55, फिर है 59, देन 61, 75, 76, 77, सॉरी 95 एंड देन 98. राइट, नाउ कम टू डिवाइड 8 47 25 32 37 30 40 39 45. सो देखिए रैंक कम किसकी है यहाँ पर, देख सबसे कम दैट इज 25 30 32 37 39 40 45 47. नाउ वी कैलकुलेट दी डी स्क्वायर. तो डी स्क्वायर कैसे, मैं देखिए 1 माइनस 8 माइनस 7 स्क्वायर 49, अगेन 49, 16, 4, 9, 4, 4, 25.
टोटल करेंगे दैट इज 116 प्लस आर इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई टू 160 डिवाइडेड बाय 8 का क्यूब माइनस 8 एंड दैट वुड इक्वल टू माइनस में आ रहा दैट इज माइनस 0.905 दैट्स इट। सो हमने कर लिया दैट मीन्स व्हेन रैंक्स आर गिवन एंड व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। ओके द नेक्स्ट मेथड दैट इज व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। फॉर दिस क्लास विल डू फर्दर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके सो क्लास प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। थैंक यू।